गल्फ़र मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस होने, इसमें गल्फ़र मोटर कंपनी लिमिटेड होने को अपनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करती है, लेकिन कंपनी उसे इस कंडीशन पर अपॉइंट करती है कि वो कल को अगर अपनी पोस्ट पर रहे या ना रहे, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे गल्फ़र मोटर कंपनी के कस्टमर्स कंपनी से टूट जाएं। वो गल्फ़र मोटर कंपनी के कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करके गल्फ़र मोटर कंपनी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन कुछ समय बाद होर्ने जब अपनी पोस्ट से रिजाइन करता है और अपनी नई कंपनी ओपन करता है ईबी होर्ने के नाम से, और ईबी होर्ने कंपनी का जो बिजनेस होता है वो बेसिकली व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट सप्लाई करना और व्हीकल की सर्विसिंग करने का होता है। लेकिन ईबी होर्ने कंपनी जो है वो गल्फ़र मोटर कंपनी के जितने भी मॉडल्स हैं उन्हीं के स्पेयर पार्ट्स और उन्हीं की सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसके बाद होर्ने क्या करता है, वो गल्फ़र मोटर कंपनी के कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करता है और उन्हें ऑफर्स देता है। तो इस तरह से वो गल्फ़र मोटर कंपनी के कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन से प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। और गल्फ़र मोटर कंपनी जब इस बात से आपत्ति जताती है तो होर्ने गल्फ़र मोटर कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट चिपका देता है। होर्ने ये कहता है कि मैं सेपरेट हूं और मेरी कंपनी सेपरेट है, ये काम मैं नहीं कर रहा, ये तो कंपनी कर रही है। केस ट्रायल कोर्ट में आता है और ट्रायल कोर्ट यहाँ पर होर्ने के फेवर में फैसला सुनाती है। ट्रायल कोर्ट ये कहती है कि होर्ने एक मैनेजर है और मैनेजर के पास जो स्किल है वो वही तो काम करेगा। आप होर्ने पर किसी तरह की कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। देन गल्फ़र मोटर कंपनी जो प्लेंटिव है यहाँ पर वो अपील करती है कोर्ट ऑफ अपील में। कोर्ट ऑफ अपील यहाँ पर कॉर्पोरेट वेल उठाकर देखती है, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके जब देखती है तो ये पाती है कि ये जो कंपनी है होर्ने की, ईबी होर्ने, ये एक तरह का डिवाइस है जिसके इस्तेमाल से होर्ने कपट कर रहा है, स्ट्रेटजम कर रहा है। ये काम ईबी होर्ने कंपनी नहीं कर रही, ये उसके पीछे होर्ने ही कर रहा है। कंपनी तो सिर्फ एक तरह का दिखावा है। इस कंपनी के थ्रू होर्ने सिर्फ और सिर्फ ब्रीच कर रहा है अपने कोवेनेंट का जो उसने गल्फ़र मोटर कंपनी से किया था। मतलब गल्फ़र मोटर कंपनी से होर्ने ने जो भी लीगल एग्रीमेंट या प्रॉमिस किया था कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए या रहने के बावजूद भी वो कंपनी के कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करके गल्फ़र मोटर कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अब होर्ने खुद ऐसा ना करके अपनी कंपनी खोलकर ईबी होर्ने के नाम से उस कंपनी के थ्रू ये काम कर रहा है। तो इस तरह से इस केस में कोर्ट ऑफ अपील कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करती है, होर्ने और उसकी कंपनी ईबी होर्ने दोनों को ही ये बिजनेस करने से रोकती है, उसके अगेंस्ट इंजंक्शन ग्रांट करती है।